All right, so let us start with today's session by quickly revising what we have learned so far. So in the last session, agar aapko yaad hoga, to we started with new chapter, which is laws of motion. Aur laws of motion mein, of course, hum motion ki baat karenge. So whenever object moves, all type of motions, matlab, that study of motion or स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया था मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के दो पार्ट हमने देखे थे, एक था स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस. देन अनदर पार्ट वॉज काइनेटिक्स. काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. इसके दो पार्ट थे, एक था काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स में यू स्टडी द मोशन विदाउट स्टडिंग विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. डायनामिक्स में यू स्टडी द मोशन टेकिंग इन टू अकाउंट कॉज ऑफ मोशन. मतलब यहाँ पे मोशन कहाँ से आया, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, वी डोंट स्पीक. बट डायनामिक्स में वी ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन फोर्स विच इज कॉजिंग द मोशन. तो यहाँ पे आप फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इस सब की बात करोगे. दिस आर कॉमनली यूज पैरामीटर्स. यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी बेसिकली यूज्ड कॉमनली इन काइनेमैटिक्स. तो इतना ही डिफरेंस था कि काइनेमैटिक्स इज ऑल्सो स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन बट टेकिंग इन टू अकाउंट कॉज ऑफ द मोशन, जैसे फोर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी आते वक्त दरवाजा खोलते हो तो यू गिव अ फोर्स एंड बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस इज टॉर्क, वो आप बाद में सीखोगे. तो हियर यू कंसिडर कॉज ऑफ द मोशन. देन व्हाट एल्स डिड वी सी हियर यस्टरडे. इसके अलावा हमने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन रियल लाइफ. तो वी स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन रियल लाइफ. एक तो हमने पहले बात की थी लीनियर मोशन की, एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा या सर्कुलर करेगा या फिर पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन. ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग, तो आप इसको इनिशियल एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में दे दो. यू गिव इनिशियल एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, इट विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन. बट इफ इमेजिन आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलरेडी है. तो यहाँ पे दो केसेस थे. इन केस ऑफ लीनियर मोशन यू हैड टू केसेस. केस नंबर वन, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एंड इफ आई गिव acceleration in any direction, it will start performing linear motion. Dusra, agar already object move ho raha hai, it is already moving along straight line, to ab aapko acceleration ya to velocity ke direction mein dena padega ya fir opposite to the direction of velocity dena padega so as to perform linear motion. To ye easy cheeze hai, yaad honi chahiye. To is case mein acceleration should be parallel or anti-parallel to initial velocity. इसको हम बोलते हैं inline. So acceleration should be inline of what? Initial velocity. Imagine, बहुत simple है, real life example है. तो एक object move हो रहा है, right? एक गाड़ी move हो रही है, आपने पीछे से धक्का दे दिया, मतलब आपने उसको acceleration दे दिया. Motion का direction मतलब velocity का direction और acceleration direction same है. तो वो जो गाड़ी है, it will keep moving in straight line. गाड़ी सामने से आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से आप धक्का दे रहे हो, इट विल स्टिल कीप मूविंग इन सेम लाइन. इमेजिन एक बॉल जा रहा था स्ट्रेट लाइन में और आपने बीच में ऐसा उसको पंच कर दिया, कहाँ जाएगा, ऊपर. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा. तो याद रखना, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन में रखना है, तो एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी. दूसरा केस हमने देखा था कल सर्कुलर मोशन का. तो आपको याद होना चाहिए ये
इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट। इस केस में हमेशा वेलोसिटी होता है टेंजेंट और उसको परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, सिंपल। तीसरा केस, अब देखो लीनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तीसरा केस था पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में ऐसा है कि एक्सेलरेशन ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा, सो देयर इज सम एंगल व्हिच इज नॉट 0, नॉट 90, नॉट 180, सो इट कैन बी एनी अदर एंगल। तो पैराबोलिक पाथ अगर आपको याद है, और ये तो इजी भी है बिकॉज यू कीप ऑन सेइंग दिस ऑलवेज, एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। अब ऑब्जेक्ट कहां पे भी होगा तो पहले मैं इसका ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर देता हूं। तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी, ये पाथ फॉलो करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा जा रहा है, राइट। अगर आप देखोगे इनिशियली, इनिशियल केस में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था इट वॉज समथिंग लाइक दिस, और ये ऑब्जेक्ट उस पर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे। तो यू सी इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, सो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज पैराबोलिक मोशन। और एक कंडीशन है इसके ऊपर, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ना पैरेलल चाहिए, ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना एंटी पैरेलल होना चाहिए। एडिशनली वन मोर थिंग, एक्सेलरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जी की वैल्यू होगी 9.8। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन। अब लेट अस स्टार्ट विद न्यू टॉपिक टुडे एंड दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टॉटल्स फैलसी। अब ये फैलसी का मतलब क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। फैलसी मतलब मिस्टेकन बिलीफ, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ, ओके। तो एरिस्टॉटल्स फैलसी का मतलब क्या? एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। तो एरिस्टॉटल ही स्टेटेड दैट कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए। तो यू नीड टू हैव अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट इट कीप्स ऑन परफॉर्मिंग मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या सीखा आपने? An object stays at rest or it keeps on moving with constant velocity unless, right, so according to Newton's first law, एक बार आपने object को motion में set किया तो it will continuously keep moving, आपको वापस से force लगाने की जरूरत नहीं है। But Aristotle, he says, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो उसको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आने से पहले का है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टार्ट कहाँ से होता है? फिजिक्स स्टार्ट होता है रियल लाइफ से। यू ऑब्जर्व थिंग्स एंड देन यू स्टेट समथिंग। तो बिफोर न्यूटन्स लॉज, अगर मैंने एक बॉल फेंका स्ट्रेट लाइन में, टेबल पे थ्रो किया, तो डेफिनेटली वो थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद इट विल स्टॉप, राइट, करेक्ट। अगर उसको स्टॉप नहीं होने देना है तो हमको उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे रखना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। तो एरिस्टॉटल स्टेटेड दैट, एरिस्टॉटल स्टेटेड दैट टू कीप एनी ऑब्जेक्ट in motion with constant velocity, a continuous force is required. So Aristotle stated that for an object to keep moving continuously with constant velocity,
a force, a continuous force is required. A continuous constant force must act on the body, on the object. Right? और फिर एरिस्टोटल गलत था क्या? नहीं, तो फिर न्यूटन भी सही है. एक बार ऑब्जेक्ट को धक्का दे तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव होता रहेगा. और एरिस्टोटल भी सही है कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली अगर मूव करना है तो कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था इट वॉज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन ऑन अर्थ. सो बेसिकली अर्थ पे अगर आपने किसी बॉल को थ्रो कर दिया तो इट विल स्टॉप. व्हाई इट विल स्टॉप? बिकॉज़ व्हेन इट इज रोलिंग, जब वो मूव हो रहा है तो वो बॉल किसी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर आपने बॉल को थ्रो कर दिया, तो टेबल और बॉल के सरफेस में कॉन्टेक्ट है और जहां जहां कॉन्टेक्ट होता है वहां वहां फ्रिक्शन होता है. तो ये फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है, मोशन को रोकने का काम करता है. तो उसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स या फिर रेजिस्टिव फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले कैरम बोर्ड? कभी खेला होगा लाइफ में? Some one of you, all of you, more or less. तो वो पाउडर डालते हैं उसके ऊपर. क्यों डालते हो पाउडर? To decrease the friction. मतलब वहां पे भी एरिस्टोटल स्टेटमेंट एप्लीकेबल है कि स्ट्राइकर को मारने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो रुक गया. ऐसा हुआ क्या कि चलता ही रहा? ऐसा चलता ही रहेगा तो दूसरे का टर्न आने ही नहीं वाला. चलने तो अच्छा है, वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. सो व्हाई ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इज बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन. सो एरिस्टोटल स्टेटमेंट वॉज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन लाइक अ रोलिंग ऑब्जेक्ट. सो एरिस्टोटल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. कॉमन एक्सपीरियंस भी बोलते हैं इसको, लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन अ सरफेस. Rolling on a surface. Okay, then Galileo came and Galileo said, "Arey ruko, whatever you are saying is correct, but under condition ki jo moving object hai, uske upar koi opposing force act hona chahiye, jaise ki friction. Agar wahan pe friction nahi hai, to ek bar object pe force lagaya, uske baad aapko force lagane ki koi zarurat nahi hai. It will keep on moving." Continuously without any force with constant velocity. So Galileo gave the correct explanation. For the Aristotle's fallacy, and stated that Continuous force is required to keep an object moving with constant velocity only in presence of external opposing forces like friction. तो जब जब वहां पे कोई अपोज करने वाला फोर्स होगा, सिर्फ उसी केस में आपको ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस वेलोसिटी के साथ मूव करना है तो कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी की गाड़ी बंद हो गई, फिर आप क्या करते हो? धक्का लगाते हो. जब तक आप धक्का मार रहे हो तब तक ही गाड़ी मूव होगा. द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग, थोड़े डिस्टेंस के बाद जाके गाड़ी वापस से रुक जाएगा. क्यों? फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस. ओके, गुड. तो दिस इज व्हाट इज एरिस्टोटल्स फैलेसी. तो एरिस्टोटल के जो रॉन्ग बिलीव थे वो बाद में करेक्ट हो गए. तो एरिस्टोटल सिंपल स्टेटमेंट, एरिस्टोटल का मानना यह था कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहो. Why? Because common real life example, common experiences,
इफ आई थ्रो एनी ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा वो, तो रुक रहा है मतलब मुझे उसको मोशन में रखना है तो कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा. बट देन गैलीलियो सेड, राइट यू आर राइट बट आई एम ऑल्सो राइट, तुम भी सही मैं भी सही, यू आर राइट जब वहां पे कोई अपोजिंग फोर्स होगा. अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है तो एक बार ऑब्जेक्ट को तुमने फोर्स लगा दिया तो कंटिन्यूअसली वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा जब तक दूसरा फोर्स एक्ट नहीं होता. गुड, सो दैट इज सिंपली व्हाट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल्स फैलेसी. सिंपल है, इट्स जस्ट स्टेटमेंट. नाउ ये जो गैलीलियो का स्टेटमेंट था इसी को न्यूटन्स ने इन द फॉर्म ऑफ लॉज रिप्रेजेंट किया है, जिसको आप बोलते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो इन रियलिटी ये आपका चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है. सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी स्टेज एट रेस्ट. हु नोज दिस स्टेटमेंट वेरी वेल? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मोशन, वेरी गुड. तो एवरी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट स्टेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. सो एवरी बॉडी और एवरी ऑब्जेक्ट stays at rest or stays in a state of rest or in uniform motion. और यहां पर याद रखना ये uniform motion with constant velocity होता है, तो और in uniform unaccelerated motion unless it is acted upon by an external force. External होना चाहिए, मतलब क्या? मतलब भी अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा तब तक जब तक मैं एक्सटर्नली इसको फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं. बॉल, फुटबॉल सिटिंग एट रेस्ट, कब तक मुंह नहीं होगा? जब तक आप लात नहीं मारोगे, यू हैव टू किक इट. वो जो लात आपने मारा वो एक्सटर्नल फोर्स था. So, unless it is acted upon by an external unbalanced force unbalanced होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर यहां से किसी ने फोर्स लगाया दूसरे डायरेक्शन से सेम फोर्स किसी ने लगा दिया तो देन दीज टू फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर. तो ये याद रखना कि यहाँ पे एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड दीज टू वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड नहीं बोला मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा उसका. एक ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड तो वो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ एक्स डायरेक्शन में ही मूव होता रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं आता. एग्जाम्पल, लेट अस टेक द बॉल अगेन which is moving along x-axis, right? तो इसका स्पीड कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा और साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कौन सा चाहिए? अनबैलेंस. थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मैंने यहां से एक फोर्स लगा दिया और नीचे से किसी ने फोर्स लगा दिया तो अभी भी ऑब्जेक्ट विल स्टिल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट स्पीड. द मोमेंट आई रिमूव दिस फोर्स, पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था, अब नीचे से एक फोर्स आ गया तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन. तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. तो दैट इज व्हाट इट मींस. 11th में आते से ही रिमेम्बर आपको अब डायरेक्शन की भी बात करनी है. 10th तक ठीक था, रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है. बट हियर यू कैन नॉट से स्पीड, यू हैव टू से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन. Unaccelerated motion मतलब there is no acceleration, मतलब velocity is constant. Good. Then what is second law of motion? F equal to ma. And someone is saying F equal to dp by dt. What is
हाउ विल यू स्टेट दिस लॉ? मैथमेटिकल तो ठीक है, F equal to mass into acceleration, that is okay. But how will you write it in English language? Product of mass into acceleration is force. ठीक है, और F equal to dP by dt मतलब change in linear momentum of an object is directly proportional to the external applied force. Good. तो बाय द वे ये जो आप बोलते हो F इक्वल टू एम ए ये करेक्ट है, लेकिन ये न्यूटन सेकेंड लॉ का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका रिजल्ट है एज अ कॉन्सिक्वेंस. तो व्हाट डज न्यूटन सेकेंड लॉ टेल्स यू? ये आपको बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. और जिनका ये अभी सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ उनको पता है हाउ डू राइट डाउन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? What is rate of change of displacement dx by dt? इसको ये होता है velocity. What is rate of change of velocity? मतलब dv by dt. तो जब भी rate of change of लिखा तो नीचे dt आना चाहिए. तो according to Newton's second law of motion, rate of change of linear momentum को हमने denote किया था t से. तो rate of change of linear momentum is directly proportional to the external applied force, right? Newton's second law of motion tells you rate of change of linear momentum is directly proportional to external applied force, right? Again, you are into 11th standard. Vector. Do you remember जब आप a vector equal to something into b vector लिखते हो, मतलब a और b का direction होता है same. तो यहां पे एक एडिशनल स्टेटमेंट डालना पड़ेगा. आपको ऐसा बोलना पड़ेगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, राइट? एंड द चेंज इन मोमेंटम डीपी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन होगा सेम. तो ये आपको explicitly you have to mention this. So according to Newton's second law of motion, it states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external applied force and the change in the momentum takes place in the direction of applied force. Therefore, you can write down force is proportional to dp bar by dt. Now, someone said force is product of mass into acceleration. How do you get that equation? F equal to ma, yes. तो कैसे आया F equal to ma? नहीं, कैसे आया? इस equation से कैसे आया? So how do you get F equal to ma from this equation? You will say F equal to ये proportionality की sign हटाई, मतलब कुछ ना कुछ एक constant लिखते हो dp bar by dt. और अगर आप SI unit में हो तो ये k की value हो जाती है 1. तो हम लिखते नहीं है, इसलिए F equal to dp bar by dt. How many of you know what is momentum? What is momentum? मैंने बताया है, पहले चैप्टर में ही बताया है. Mass into velocity. करेक्ट है क्या? कि m bar dot v bar लिखूं? Should I be writing m bar dot v bar? No, why not? Mass is स्केलर क्वांटिटी. कभी ऐसा बोला है क्या माय मास इज 70 किलोग्राम के कैप? नहीं ना. तो मास इज
स्केलर क्वांटिटी, जस्ट अ नंबर। तो बाय द वे अभी मैंने आपको डेरिवेटिव का रूल बताया था। डेरिवेटिव का रूल में यह था कि मास मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं, कांस्टेंट रहेगा ना, कि ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसका मास कम होते गया, नहीं होता है कि ऐसा एक बॉल मैंने यहां से फेंक के मारा 10 किलोग्राम का, जिसका ध्यान नहीं था, वहां तक पहुंचते पहुंचते 10 ग्राम बन गया, उसको लगा ही नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि मैं तो 10 किलोग्राम के उठा के मारूंगा। हाँ गुड। तो मास कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट यू विल टेक आउट आउटसाइड द डेरिवेटिव, तो आ जाएगा डीवी बार बाय डीटी। बट व्हाट इज डीवी बार? एक्सेलरेशन। सो दिस इज हाउ यू गेट मास इनटू एक्सेलरेशन एज फोर्स, राइट? वेट, थोड़ा मैंने शॉर्टकट मारा है क्योंकि तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए इसके लिए, बट वी विल गो लॉन्ग रूट नाउ। डू यू नो, डू यू रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको अगर आपके पास दो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, याद है क्या? पहले को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो, राइट? यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे पहला मतलब मास, मास को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले का डेरिवेटिव लो, राइट? ओके गुड। अब आप बोल सकते हो कि बट मास इज कांस्टेंट, बट एम इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, एंड देयरफॉर फोर्स इक्वल टू m dv bar by dt plus zero, therefore force equal to m into a. Okay, now some of you are really confused. जब मास कॉन्स्टेंट ही था तो फिर मैंने मास को डायरेक्टली बाहर लिख दिया होता तो एक ही टर्म बचती, तो दूसरी टर्म हमने लिखी ही क्यों, है ना? नहीं लिखना चाहिए था। हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसका मास कम नहीं होता, हर बार नहीं होता। एग्जाम्पल रॉकेट, अगर आप रॉकेट का लॉन्च कभी देखा होगा, कभी देखा है क्या? सैटेलाइट लॉन्च करते हुए, रॉकेट लॉन्च करते हुए टीवी में, रियल लाइफ में नहीं, टीवी में। ओके तो रॉकेट इफ यू नो, और आगे आएगा वो, उसके दो तीन स्टेजेस होते हैं, तो यू हैव एटलीस्ट टू स्टेजेस, और बेसिकली यहां पे देर इज फ्यूल, किसी भी चीज को ऊपर भेजना है वर्टिकली, अप, अपने आप जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? ग्रेविटी, ग्रेविटी इज सो ट्रिमेंडस कि उसको ऊपर लेके जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। अब बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब आपको बहुत ज्यादा फ्यूल को जलाना पड़ेगा। तो इस रॉकेट में देयर अ लॉट ऑफ फ्यूल, टन्स में होता है फ्यूल, लीटर दो लीटर नहीं, इट इज इन टन्स। तो व्हेन द फ्यूल बर्न्स देयर इज अ फोर्स व्हिच इज जनरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक सेकेंड में कुछ 100 लीटर फ्यूल जलता है यहाँ पे, मतलब मास ऑफ द रॉकेट इज बिकमिंग लेस। तो यू सी हर केस में dm by dt जीरो नहीं होगा। तो ये जो dm by dt है, आपने बोल दिया बट मास इज कांस्टेंट, हर केस में नहीं होता है वैसा। इन केस ऑफ रॉकेट गोइंग अप, मास ऑफ द रॉकेट इज रिड्यूसिंग। व्हाई? क्योंकि जो फ्यूल भर के रखा था वो फ्यूल हम जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? क्योंकि हमको एक अपवर्ड फोर्स चाहिए। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, dmv by dt, पहला क्वांटिटी कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा क्वांटिटी कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, और फिर बोल देना हमारे केस में मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो dm by dt इज जीरो, एंड दैट इज व्हाई यू हैव फोर्स इक्वल टू m dv बार बाय dt, और dv बार बाय dt मतलब एक्सेलरेशन। वेरी गुड। और याद रखना JEE नीट के लिए हमको ये इक्वेशन लगने वाला है, यू आर गोइंग टू नीड दिस। उसमें आपको बोलेंगे कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इन विच द मास ऑफ द फ्यूल इज रिड्यूसिंग लाइक 5 kg/s। तो दे विल टेल यू 5 kg/s मतलब dm by dt इज 5। ओके तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो बहुत ईजी है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी
इट कीप्स ऑन मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक वो जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में जितने स्पीड से जा रहा था उतने स्पीड से जाता रहेगा. कब तक? जब तक आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई किया तब तक. न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम? डीपी बार बाय डीटी. ये दिमाग में फिक्स कर लो. फिजिक्स में कभी भी रेट ऑफ चेंज ऐसा लिखा हो मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन विद टाइम. ओके गुड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. दिस इज वॉट न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स यू. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस नहीं लिखा. हमने माइनस लिखा क्या? अगर माइनस लिखते तो क्या बोलते? एंड द चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स. पर हमने ऐसा बोला नहीं तो हम निगेटिव लिखेंगे नहीं. तो यू हैव फोर्स एज डी पी बार बाय डी टी बट पी इज मास इन टू वेलोसिटी. और मास को कांस्टेंट रखो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो प्लस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो मास का डेरिवेटिव लो. बट मास इन आर केस हम तो रॉकेट की बात कर नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट है बेचारा मूव हो रहा है और वो भी यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है. इट इज मूविंग इन स्पेस. इफ इट इज मूविंग इन स्पेस तो इट विल कीप मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. अब अगर आपको वेलोसिटी चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. देन दैट इज व्हाई यू से मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट. अगर मास कॉन्स्टेंट है, जिनको डेरिवेटिव नहीं पता एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं. अगर कुछ चीज चेंज हो रही है फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हो सकता है. मैंने तो बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्टेड है. गर्मी में बाहर खड़े रहो, वेरी हॉट. यू गो इनसाइड योर हाउस इफ यू हैव एसी, इफ यू डोंट हैव एसी डजंट मैटर. बट टेम्परेचर एक दो डिग्री से कम होता ही है. व्हाट इज चेंजिंग? टेम्परेचर विथ डिस्टेंस. डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस. तो इसको आप बोलते हो चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस मतलब डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस. गुड. यहाँ पे भी थिंक कनेक्ट विथ रियल लाइफ. ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा था, मैंने उसको और धक्का दे दिया मतलब फोर्स लगा दिया, तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी आ गया कि ये डीवी बार बाय डीटी, डीवी बार बाय डीटी आ गया, राइट? गुड. अगर मैं वी को एम से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट आई गेट इज मोमेंटम. तो मोमेंटम कब चेंज होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स होगा. गुड. तो देन यू कीप ऑन सॉल्विंग और आपको मिल जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? देन क्या बचा? थर्ड लॉ. व्हाट डज दिस टेल यू? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सिर्फ यहां पे एक्सेप्शनल केस हमारा है, राइट? अगर आप ध्यान नहीं दे रहे और मैंने दे दिया कान के नीचे वजह से एक्शन, यू कैन नॉट रिएक्ट, यू आर नॉट सपोज टू रिएक्ट. सो टू एवरी एक्शन, हाँ आपका रिएक्शन दूसरे तरीके का हो सकता है, दैट इज ओके. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Equal and opposite reaction. So this is what third law tells you. To every action, action मतलब force, there is equal and opposite reaction मतलब force oppositely directed. Example, अभी आप bench पे बैठे हो, आप bench के ऊपर action लगा रहे हो क्योंकि आप bench पे बैठे हो. Bench आप पे नहीं बैठा, you are sitting on the bench. So you are putting a force on the bench, and bench is giving you normal reaction, exactly same force but in opposite direction. Very interesting. इसका मतलब ये होता है कि you feel you have weight. It is not because of gravity, it is because of reaction force. आप जो वजन काटे पे खड़े हो जाते हो देखने के लिए, action is your weight on that machine and machine करता है react. और जो आप measure करते हो वो weight नहीं है, वो normal reaction है. So to every action there is equal and opposite reaction.
गुड नाउ नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको ये तीनों के तीनों लॉस पता है. यू नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, यू नो व्हाट इज सेकंड लॉ, एंड यू नो व्हाट इज थर्ड लॉ. नाउ वी नीड टू नो हाउ एंड व्हाई दिस लॉज आर इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखा होगा. पहला लॉ बोलने में तो बहुत इजी लगता है, एवरी ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. बट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, राइट? रेस्ट से अपने आप मूव नहीं होगा. कब मूव होगा? वन When you apply external unbalanced force. अगर एक object along x axis constant velocity के साथ move हो रहा है तो उसका velocity change नहीं होगा. कब तक change नहीं होगा? जब तक आप external unbalanced force apply नहीं कर रहे. इसका मतलब Newton's first law of motion आपको बता रहा है कि state of rest और state of motion ये कुछ अलग अलग नहीं है. These are the two same things. State of rest को change करने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मींस दैट स्टेट ऑफ रेस्ट और state of motion along straight line are one and the same thing, since to change the state of rest Or of uniform motion, a force is required. Of course, a force unbalanced होना चाहिए. A force is required. तो मैंने कल आपको बताया था कि आप सीखोगे कि rest state और uniform motion का state they are not two different things. They are same. तो आगे से मैं स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन ही बोलूंगा बट विथ जीरो वेलोसिटी. सो स्टेट ऑफ रेस्ट इज व्हाट? स्टेट ऑफ मोशन बट विथ जीरो वेलोसिटी. वेरी गुड गुड. नाउ यू आर टॉकिंग फिजिक्स. गुड. नाउ अब इसका और एक मतलब भी होता है. इसका और एक क्या मतलब होता है? यू विल अंडरस्टैंड दैट हियर जब तक फोर्स नहीं लगा तब तक ना रेस्ट का ऑब्जेक्ट मोशन में आया ना मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हुआ. मतलब चेंज स्टेट चेंज कब होगा? वन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड. मतलब फोर्स इज कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस मींस नंबर टू, द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली व्हेन an unbalanced force is applied. Which means force is the physical quantity. Which controls the motion of object. Number three, देखो बोलने के लिए क्या लगा था? दो lines. हाँ, लेकिन समझने के लिए one, two और बाकी है. What else you can say? आप और क्या बोल सकते हो first law से? दो तो बोल दिया, तीसरा क्या बोल सकते हो? मैंने कल भी बताया था इसको और एक नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो समथिंग रिलेटेड टू इनर्शिया. किसने रोका स्टेट चेंज करने के लिए? मास. तो यू शुड नो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव हो रहा है विद सेम वेलोसिटी तो वो मूव होता रहेगा.
क्यों, किसने रोका स्टेट चेंज करने के लिए? खुद के मास ने। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज मास एंड दैट मास इज बेसिकली अपोजिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो मास ही रोक रहा है, अरे बाबा तू रेस्ट पे है, तू रेस्ट पे है। यू आर मूविंग विद 2 meter per second आई कैप, कीप मूविंग विद 2 meter per second आई कैप, डोंट चेंज डायरेक्शन, डोंट चेंज स्पीड। किसने रोका? खुद के मास ने। सो यू कैन से मास ऑफ ऑब्जेक्ट provides the inertia to the motion. Inertia to the motion. Inertia पता होगा? नहीं पता होगा तो लिख देता हूं। Inertia is the tendency of the object, is the tendency of the object, object to oppose change in the state. To oppose change in the state of motion. So inertia is the tendency of the object which opposes the change of state in the motion. Okay. Now, for linear motion, mass of the object is inertia. And is defined as कैसे डिफाइन करोगे मास? मास कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, हाउ डू यू डिफाइन मास फ्रॉम दिस इक्वेशन? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मास इज स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. Therefore, mass is nothing but mod of force upon mod of A. Right? Simple. तो statement तो बहुत ही simple था, लेकिन उसका मतलब significant समझते, important समझते, you take time. Newton पहले first उन्होंने बता दिया कि state of rest, object rest पे है या object motion में है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, ये depend करता है frame of reference पे. What is frame of reference? We will define. But for the time being, for example, मैंने कल भी बताया था, आपके लिए आप रेस्ट पे हो, आपके लिए ये बॉटल भी रेस्ट पे है, आपके लिए ये मोबाइल फोन भी रेस्ट पे है, but by the way, I am moving. मेरे लिए this phone is not at rest. मेरे लिए आप लोग भी रेस्ट पे नहीं हो. तो रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब कहां से मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. सो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज द सेम थिंग. जो चीज आपके लिए रेस्ट पे है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, दिस मोबाइल फोन स्टैंडिंग ऑन दिस ट्राइपॉड, आपके लिए रेस्ट पे है, बट मैं तो कंटिन्यूसली मूव होते तो देख रहा हूं, मेरे लिए तो मोशन में है. तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, दे आर द सेम थिंग. नंबर टू, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन कब चेंज होगा? व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड. अनबैलेंस्ड ये वर्ड नहीं आया तो देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तो ओके. देन नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो रेस्ट पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. किसने रोका? खुद के मास ने. तो मास इज द क्वांटिटी विच इज प्रोवाइडिंग इनर्शिया, और उसको डिफाइन कैसे किया आपने? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. वेरी गुड. व्हाट अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है? आपको व्हेन देयर इज फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन, मतलब वो आपको मैथमेटिकल फॉर्म देता है किसका? फोर्स का. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ
एक्सेलरेशन. सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला बेसिकली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, देन थर्ड लॉ, व्हाट डज इट टेल यू? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म, तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. सो इट टेल्स यू, that to every action there is equal and opposite reaction, which means force always exists in pairs, right? मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद होगा दो चार्जेस थे, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, एंड देयर वाज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन. तो फोर्सेस वेर ऑलवेज इन पेयर. गुड, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जस्ट टू लर्न नोटेशन. मान लो ये एक टेबल है, बेंच, टेबल पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यू. दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द टेबल, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, इज द सेम सिचुएशन. तो एक्शन मतलब जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट लगाएगा किस पे, टेबल पे. तो इसको मैं बोल दूंगा एफ ओ टी बराबर है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन. हाँ नहीं, वही तो नोटेशन भूल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया था मैंने नोटेशन. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाउ टू डिनोट फोर्स एक्टिंग ऑन. ये जो फोर्स है किस पे एक्ट हो रहा है, टेबल पे. तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल, पहले टी लिखते हैं, ड्यू टू ऑब्जेक्ट, राइट. ये है एक्शन, दिस इज एक्शन. व्हाट विल बी रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट. तो ये आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेबल, ये आ गया रिएक्शन. अब इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, गेस? इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये 90 डिग्री पे है, इसके लिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? परपेंडिकुलर. तो दैट इज व्हाई इसके आगे आप हमेशा बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल व्हाई? बिकॉज रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो आप बैठे हो बेंच पे, एक्शन, बेंच आप पे जो लगा रहा है वो रिएक्शन, लेकिन वो नॉर्मल है. किसको नॉर्मल है? बेंच की सरफेस को, परपेंडिकुलर है. सो फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दिस इज बेंच ऑन विच यू आर सिटिंग. तो एक्शन है नीचे और रिएक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट. कितना एंगल बना? 90. तो इसके लिए क्या बोलोगे इसको? नॉर्मल रिएक्शन. सो वेल, एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कर दो. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द टेबल. ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एक्शन ऑन द टेबल, एंड विच इज गिवन बाय, क्या नाम देता है इसको? फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट. एंड द टेबल एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, which is given by force on object due to table. Therefore, force on table due to object is minus of force on object due to table.
oh yeah, this is how you are supposed to write down what is so difficult. That's it. So that's it for today. And by the way, the notes that I will be uploading will be little different. है वही जो मैंने पूरा बताया वही है, सिर्फ हर एक बैच के साथ थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाता है. That doesn't mean I am telling you wrong physics. Exactly what you should write. ये भी चलेगा और वो भी चलेगा. No issues. So you just need to remember one thing. None of my two batches have same notes. Physically, physics, not physically, physics. So according to physics, it is correct, but little bit grammar here and there. So you need to remember this.